गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं शूट कर रही हूँ ब्लॉग। सो आज है तीज, सो मैं आप लोग के साथ तीज का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एंड आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी तीज। एंड ये हरितालिका तीज है। मैंने तीज का व्रत रखा हुआ है। आज मेरा फास्ट है। मेरी मेहंदी है तीज की। एंड ये मैंने खुद से लगाई है। अच्छी लगाती हूँ ना। जा रही हूँ, थोड़ा चूड़ी का सेट लगाऊंगी एंड पायल बिछिया ये सब पहनूंगी और दा वगैरह करूंगी। सो मैं आपको वो दिखाऊंगी। एंड मैं आपको तीज के जो भी मैं चीज़ें करूंगी, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से दिखाने की। मैं अकेले ही पूजा करूंगी। लास्ट टाइम जो मेरी पहली तीज थी तो मेरे साथ मेरी जेठानी थी। मैंने और मेरी जेठानी ने मिल के पूजा किया था, व्रत किया था, तो अच्छा लगा था। आपकी फैमिली जब आपके साथ होती है ना त्यौहार में, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। एंड आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो, पर अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ फीका सा रह जाता है। पर कोई बात नहीं, बस ये इस साल की बात है। अगले साल से फिर से मैं और मेरी जेठानी साथ में ही व्रत एंड पूजा करेंगे। सो इट्स ओके। सो चलिए, मैं जल्दी से अपना सारा तैयारी वगैरह करती हूँ एंड मिलती हूँ मैं आपके साथ थोड़ी देर के बाद। मैंने पायल बिछिया सारी चीज़ें पहन ली हैं एंड मैंने पैर में अलता भी लगा लिया है। अच्छा लगता है मुझे सब। मुझे अलता लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ पैर का जो लुक आता है वो बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। कभी कभी फेस्टिवल्स में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मुझे पसंद है लगाना। सो अब मैं पहनूंगी जल्दी से चूड़ी एंड अब होंगी रेडी। सो तो मैं आपके साथ गेट रेडी विथ मी भी शेयर करूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग।
सो मेरी हेयर स्टाइलिंग भी डन हो चुकी है एंड अब मैं लगाऊंगी सबसे मेन चीज़ मेरा सिंदूर। सो मैं अच्छे से पूरी मांग में भर के सिंदूर लगाऊंगी। एंड अब मैं अपीयर कर लूंगी अपनी ज्वेलरीज। सो ये है मेरे पूजा का सेटअप। सो मैंने रेडी होके जल्दी से यहाँ पे सारा सेट कर लिया था। मेरे पास मिट्टी का कोई ऐसा नहीं था मैनेज करना कि मैं मिट्टी से बना पाऊँ मूर्ति। तो मेरे पास जो फ़ोटो थी मैंने उसी को रखा है एंड मैं उसी का पूजा करूँगी। यहाँ पे नहीं मिल पाती है मिट्टी वैसी जिससे आप बना पाओ, तो मैंने उसी से किया है। एंड अब मैं अच्छे से यहाँ पे पूजा करूँगी, पाठ करूँगी एंड ऑल डन। गाइस सो मेरा अच्छे से हो गया, मैंने पूजा फिनिश कर लिया है एंड मैं थोड़ी देर तक वहाँ बैठी भी थी क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहना चाहिए उसके बाद उठना चाहिए। सो मैं वहाँ पे लगभग आधे घंटे पौने घंटे तक बैठी थी उसके बाद उठी हूँ एंड मैंने हेयर वगैरह खोल लिए हैं। यूँ ही मेरे को थोड़े बंधे हुए बाल कम पसंद है, मैं बोलती रहती हूँ, घर पर भी रहती हूँ, तो मैंने खोल लिए हैं एंड हाँ दुखे एंड या ये मेरी साड़ी है आज की। सो या ये मेरी आज की साड़ी है, आप देख सकते हो ये मेरी आज की साड़ी है एंड ये इयररिंग एंड ये वाली नेक पीस एंड मैंने ये बोला ये मैंने लिया था तीज के लिए ही, मैंने तीज के लिए ली थी एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इयररिंग कलेक्शन पे, तो मैं उस वीडियो में भी आप लोग के साथ ये इयररिंग शेयर करूँगी, इसके बारे में बता दूँगी। सो या ये है मेरी चूड़ी, आप देख सकते हो ये पहन, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है मेरी चूड़ी। ऐसे भर भर के हाथ चूड़ी पहनना बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है ऐसे भर के हाथ चूड़ी पहनना एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल मत भूलना ये बताना। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड आप सभी को हैप्पी तीज।